Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are happy, healthy and fit at your homes and you all are practicing the exercises that we are doing in the video classes. Children, you know that we are doing chapter 11, that is measurement of mass of your maths textbook, which is chapter 11. And this chapter I have started a few videos back, few days back, and covered many things in it related to weight. Children, in this chapter actually what is our aim in this chapter is that or what is my aim is that you should, after the completion of the chapter, you should be able to compare weight. Tere tumko weight compare karna aa jayega. The aim is, after completion of the chapter, after completion of the chapter, you would be able to compare weights. चीज हल्की है, कौन सी चीज कितनी हैवी है, कौन सी चीज कितनी लाइट है, अब टू वेट्स को आप कंपेयर कर पाओगे. दूसरा, यू कैन मेजर वेट बाय यूजिंग बैलेंस. अगर आपको बैलेंस दिया जाए तो आप मेजर भी कर लोगे. यू कैन मेजर वेट यूजिंग बैलेंस. मेजर वेट यूजिंग अ बैलेंस. मेजर कर पाओगे, अगेन विच इज रिलेटेड टू वेट इन दी रिलेशन बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम. यू विल बी एबल टू नो द रिलेशन बिटवीन केजी एंड केजी इज किलोग्राम एंड जी इज किलोग्राम ग्राम. तो ये बेसिक चीजें हैं दैट यू विल लर्न व्हेन विल कंप्लीट दिस यूनिट. चिल्ड्रन, वी यूज टर्म्स लाइक हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट और लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट. दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू वेट ओनली. जो मास होता है, वेट होता है, उसी से ये रिलेटेड होते हैं. ठीक है, जो वेट का टर्म से चीजें रिलेटेड होती हैं. सो एज आई टोल्ड यू दैट हाई, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू वेट ओनली. फॉर एग्जाम्पल, देर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स. फर्स्ट वन इज लेट्स से अ पंपकिन. फर्स्ट वन इज पंपकिन. सेकेंड वन लेट्स टेक कैबेज एंड थर्ड वन इज लेमन. पंपकिन, कैबेज एंड लेमन. नाउ यू कैन इजिली से दैट विच वन इज द लाइटेस्ट. सबसे कम वेट किसका होगा, कौन सा ऐसा है जो बहुत इजिली आप हाथ में उठा लोगे. विच वन इज दिस, एवरीबडी कैन से इट इज लेमन. लेमन को बहुत इजिली अपने हाथ में उठा सकते हो, है ना, क्योंकि वो सबसे लाइट है. अच्छा, अगर हम दूसरी चीज ले लें, सपोज टेकिंग बाइक, देयर इज अ कार एंड देयर इज अ बाइसिकल. कौन सा सबसे भारी होगा अगर अगर ऐसे सोचे तो, विच वन विल बी हैवीएस्ट. डेफिनेटली कार जो है वो सबसे ज्यादा हैवी होगा. दैट इज व्हाई आई सेड ना, हैवीएस्ट, लाइटेस्ट. ये लाइटेस्ट है और ये हैवीएस्ट है. ये वर्ड्स जो है ना, ये वेट से ही रिलेटेड है.
ये हम इंग्लिश में ये वर्ड यूज करते हैं एंड दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू वेट ओनली, लाइटेस्ट हैवीएस्ट. अगर आपको कोई चीज मेजर करनी है तो मैंने आपको बताया था कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेते हैं एंड दिस आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियोस कि हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है किलोग्राम. लेकिन कोई चीज जिसका वेट किलोग्राम से कम है तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज ग्राम. स्मॉलर यूनिट जो यूज करते हैं वो है ग्राम. इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव शोन यू अ बैलेंस, एक आपको बैलेंस मैंने दिखाया था, थोड़ा लंबा सा था, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू होल्ड दैट, वो बहुत मूव कर रहा था. एंड आई वॉन्टेड टू शो यू अगेन अ पैन बैलेंस सॉर्ट ऑफ थिंग, इट्स नॉट द रियल वन बट अगेन इट इज देयर. ये एक बैलेंस है, इसके ऊपर यूनिट नंबर्स लिखे हुए हैं. थोड़ा पास से आप देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी नंबर्स आर रिटन एंड किलोग्राम भी लिखा हुआ है ना. तो सबसे ऊपर जो है वो जीरो के पास जो है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है 5 kg. यू कैन सी इट इज रिटन 5 kg है ना. और जो इन बिटवीन है वो ग्राम्स है. ठीक है, यहां जैसे एक क्लॉक होता है उसी टाइप का है, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg, 4 kg एंड 5 kg. मतलब ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट, ये 5 kg तक का वेट ये होल्ड कर सकता है. इट कैन होल्ड वेट अप टू 5 kg. तो इसके ऊपर हम कुछ रख के देखेंगे. लेट मी पुट दिस डस्टर और द लिटिल हैज मूव्ड. इट इज लेस देन 200 ग्राम. इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम. अप्रोक्सीमेटली इट इज 100 ग्राम. अच्छा, इसको हम हटा देते हैं. आई हैव अ बॉटल हियर, तो इसको मैं मेजर करके देखती हूँ. व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बॉटल. दिस इज एन एम्प्टी बॉटल एंड इट्स वेट इज 300 ग्राम्स. 200 से थोड़ा सा आगे इसके मिडिल है. इट इज 200 ग्राम. लेट्स टेक समथिंग हैवियर, कुछ और इससे हैवी ले. लेट मी टेक अ ब्रिक, एक ब्रिक का पीस लेते हैं एंड चेक इट वेदर इट इज अबाउट 5 kg और लेस देन 5 kg. आई हैव अ ब्रिक. नाउ दिस इज अ ब्रिक एंड लेट मी सी द वेट ऑफ दिस ब्रिक. कैन दिस इंस्ट्रूमेंट होल्ड द ब्रिक. लेट्स चेक इट्स वेट. को दिख रहा है इसका निडल दिख रहा है. What is the weight of this brick? It is more than 1 kg. It is 1 kg and 600 grams. Approximately 1 kg, 600 grams is its weight. This you can check the needle. आपको needle दिख रहा होगा, अगर तो आप check कर सकते हो कि ये 1 kg 600 ग्राम के approximately है. The needle moves. The moment you keep a weight on it, the needle moves. कुछ दो तीन चीजें रख के देखें. ये मैंने बोला था कि ये कुछ 300 ग्राम था. देन आई विल कीप डस्टर, डस्टर रख देते हैं. विल कीप अ मार्कर इंक. लेट्स सी कंबाइंड वेट ऑफ दीज थिंग्स. व्हाट इज द वेट, यू कैन सी हियर इट इज अराउंड 400 ग्राम्स. ये टोटल वेट इसका 400 ग्राम्स है. तो जैसे ही हम इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ये उसका, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये उसका वेट रीड कर रहा है और अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू नो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वो कितना है. इसमें मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स रखे एंड द वेट इज 400 ग्राम. अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम सबका वेट होता है. तो आप जब शॉप वाले के पास जाते हो, शॉपकीपर के पास जाते हो, तो वो जो पैन बैलेंस रखता है इट इज समथिंग लाइक दिस. ऐसा ही कुछ होता है. एक तरफ वो ऑब्जेक्ट को रखने वाला होता है, दूसरी तरफ वेट रखने के लिए होता है. दैट इज कॉल्ड पैन बैलेंस. कुछ इसी से मिलता जुलता होता है. आई वुड लाइक टू शो यू, आई वुड लाइक टू मेजर फ्यू मोर थिंग्स फॉर यू चिल्ड्रन. आई हैव गॉट दिस बॉक्स, तो इसको एक बार रख के देखते हैं. व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बॉक्स. कैन यू सी, यस इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 200 ग्राम्स.
मोर देन 200 ग्राम्स ये इसका वेट है. तो जैसे ही कुछ इसके ऊपर रखते हैं निडल मूव्स, वो निडल जो है वो मूव कर जाती है अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऐसे ही पैन बैलेंस भी होता है, जब उस पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो वेट पता चल जाता है कि वो कितना वेट का होगा. जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स होते हैं, वेइंग मशीन्स होती हैं, वो ऐसे ही होती हैं. उसके ऊपर आप कुछ जब रखते हैं ऑब्जेक्ट तो इट रीड्स द वेट, वो वेट बता देती है. द निडल मूव्स हियर, द निडल मूव्स, बट डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसमें नंबर में आ जाता है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है. तो ये एक एग्जाम्पल था वेइंग स्केल का, वेइंग जो बैलेंस होता है उसका. आप वेट यहाँ रख के उस पर मेजर कर सकते हैं. एनीथिंग विच इज विद इन 5 kg वेट, ये 5 kg तक के वेट को मेजर कर सकता है. दिस कैन मेजर वेट अप टू 5 kg. 5 kg से ज्यादा की इसकी कैपेसिटी नहीं है, 5 kg तक का ये वेट को मेजर कर सकता है. तो ये मैंने कल अपने पिछले वीडियो में बोला था कि आई विल ट्राई टू शो यू दिस, सो आई गॉट दिस वन. इस पे आप अलग अलग चीजें हम रख के मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट हम रख देते हैं. एंड एज आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हाइएस्ट एंड हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हैवी और लाइट का जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, वो वेट से ही रिलेटेड है. अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैट है और एक बैडमिंटन रैकेट है, कौन सा ज्यादा हैवी होगा? डेफिनेटली बैट इज हैवियर देन बैडमिंटन रैकेट. अगर आपकी पेंसिल बॉक्स है और एक पानी का बॉटल है, ओके, बॉटल इज देयर नॉट एम्प्टी, अ बॉटल फिल्ड विद वॉटर, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज अ पेंसिल बॉक्स, विच वन विल बी हैवियर? Definitely, water bottle filled with water will be heavier, isn't it? तो ये heavy और light का concept जो है ये weight से related है. और हमने इस जो आपका जो chapter है इसमें पढ़ा जो है addition हमने किया weight का और standard unit के बारे में पढ़ा, और मैंने आपके साथ जो subtraction जो था वो start किया था. This I was telling you just to revise the whole thing. Daily हम जो जितना हमने अब तक किया है वो मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ. टुडे आई स्टार्टेड बिट डिफरेंटली, क्योंकि बुक का हमने अक्सर देखा है जो रिवीजन है वो तो मैंने आपको बताया ही है. टुडे आई गेव यू सर्टेन डिफरेंट एग्जांपल एंड आई हैव शोन यू दिस पैन बैलेंस. विल मूव ऑन टू द टॉपिक विच वी हैड लेफ्ट इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन हम कर रहे थे तो वो हम आप करेंगे जहां पे हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था, उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट. तो सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. शॉपकीपर वेज एवरीथिंग, जो भी आपको सामान दे रहा है तो वो वेट करके ही उसका दे रहा है यूजिंग द वेट्स. समटाइम देर आर आइटम्स विच कम्स इन पैकेट, जो पैकेट में रहते हैं और उसके ऊपर पहले से ही वेट मेंशन होता है, तो शॉपकीपर को उसको उसको बैलेंस में तौलने की जरूरत नहीं पड़ती है. जो पैकेटेड आइटम होते हैं जिनको पहले से ही वेट करके उसके पैकेटिंग की होती है, तो शॉपकीपर उसके उसको वेट करके नहीं देता, उस पर ऑलरेडी लिखा होता है. अगर आप घर में, आपके घर में जब सामान आता है, ग्रोसरी आइटम आता है या कुछ आप सामान खरीदते हो, तो आप उस पर चेक करना कि उस पर ऑलरेडी वेट लिखा होता है कि वो कितने ग्राम. आप एक चिप्स का पैकेट भी जब लेते हो तो उसके ऊपर ग्राम में लिखा होता है कि कितने ग्राम उसके अंदर चिप्स है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पैकेट. आप एक चॉकलेट लेते हो तो चॉकलेट पर भी वेट मेंशन होता है, ग्राम्स में मेंशन होता है कि कितना ग्राम वो चॉकलेट है. आपने खाने से पहले कभी नोट नहीं किया होगा, चिप्स खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, तो आपने कभी वेट नोट नहीं किया होगा. नाउ दिस टाइम ट्राई टू ऑब्जर्व द वेट, ट्राई टू नोट द नोटिस द वेट रिटन एट द बैक ऑफ द पैकेट. पैकेट के जनरली पीछे उसका वेट भी लिखा होता है, चॉकलेट है, चिप्स है, या आप कुछ भी पैकेट का सामान लाते हो
तो उसमें डेफिनेटली वेट लिखा रहता है. इवन जो ग्रोसरी का सामान जैसे बेसन का अगर पैकेट है या आटा का पैकेट है तो उसके ऊपर पहले से ही वेट कभी कभी लिखा रहता है. चना है, मूंग है, मसूर है, जो घर की ग्रोसरी के जो चीजें होती हैं, अगर वो पैकेट में है तो पहले से ही उसके ऊपर वेट प्रिंटेड रहता है. और आप नोट करना, छोटी सी चीज भी आप अगर खाने के ला रहे हो तो उसके ऊपर वेट लिखा होता है अगर वो पैकेट में है तो. उसको फिर वो जो शॉपकीपर है फिर पैन से उसको मेजर नहीं करता है, ये आप नोट करना. प्रोविजन स्टोर पे, जनरल स्टोर पे जो चीजें मिलती है, इवन जो सोप आप लाते हो घर में नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, उसके ऊपर भी देखना कि वेट जो है वो मेंशन रहता है. चाहे वो बेदिंग सोप हो, चाहे वो आपका वॉशिंग वाला जो सोप है उस पे लिखा आता है. जो टूथपेस्ट आप यूज करते हो, ब्रश करते हो मॉर्निंग में, तो जो पेस्ट यूज करते हो उसके ऊपर भी ऑलरेडी वेट लिखा रहता है. द क्रीम यू अप्लाई ऑन योर फेस, जो आप क्रीम लगाते हो फेस पर, उस पर भी वेट लिखा होता है कि वो उसका कितना वेट है. यू मे नॉट हैव नोटिस्ड दिस अर्ली, बट नाउ ट्राई टू नोट दिस कि कितना वेट लिखा हुआ है. जो क्रीम है, जो लोशंस है, उसके कितना वेट लिखा हुआ है, जो लगाने की चीजें हैं या जो खाने की चीजें जो पैकेट में आती हैं. इवन योर टूथपेस्ट, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ब्रश योर टीथ ट्राई, और आप पेस्ट जब निकालते हो तो देखना उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, वेट कितना लिखा हुआ है. ठीक है, ये क्योंकि हम वेट पढ़ रहे हैं तो ये एक हमारी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी. तो आप इसे जरूर नोट करना कि उस पैकेट पर कितना वेट लिखा हुआ है. ठीक है, ये मुझे लगा कि ये आपको बता दूं, क्योंकि आप हम खाने से पहले या लगाने से पहले जनरली बच्चे तो कभी नोट नहीं करते हैं, इवन बड़े भी नहीं नोट करते हैं, बट वो उस पर मेंशन रहता है. ठीक है, चलिए अब हम आगे अपने जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम पढ़ते हैं. Now we'll take the question which has gram and kilogram together, जिसमें कि gram और kilogram दोनों को एक साथ मतलब दोनों ही टाइप के addition के subtraction एक साथ हैं. हमने इससे पहले वो वाले subtractions किए थे जिसमें सिर्फ gram था, फिर वैसा किया जिसमें सिर्फ kilogram था, और एक question किया था जिसमें gram और kilogram दोनों ही units थे. तो अभी जो करेंगे वो वही वाला करेंगे जिसमें ग्राम और किलोग्राम दोनों ही यूनिट्स होंगे. केजी एंड जी, 6417 माइनस 6. तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 7 माइनस 3, आपको जो है 7 में से 3 लेना है. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7. सो टेक अवे 3 एंड स्टार्ट काउंटिंग 3 ऑनवर्ड्स. 3 के आगे से आप काउंट करेंगे. ठीक है, 3 के आगे से काउंट कीजिए टिल 7. हाउ मच विल यू गेट? 4, 5, 6 and 7. So how numbers are 4. 3 taken away from 7 gives 4. Now 1 minus 0. 1 में से जब हम 0 लेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा. Now 4 minus 2. 4 में से आपको 2 लेना है. Take 2 from 4 and you will get 2. Now children, the answer that we got is 214, and this 214 is gram. 214 क्या है? Gram. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये gram के कॉलम में है, इसलिए ये gram है. ठीक. अब बात करते हैं किलोग्राम की. ये हमारा gram वाला हो गया. Now coming to the next unit, which is part of this 6 minus 3. 6
6 minus 3. So you have to take away 3 from 6. So what will you get? You will get 3. Now this 3 is kg, kilogram. Why? Because it is under kilograms column. So answer that you will write will be 3 kg and 240 gram. ये है आंसर, ठीक है? किलोग्राम का किलोग्राम के यूनिट में और ग्राम का ग्राम के यूनिट में, ठीक है? Let's do another. एक और कर लेते हैं. फिर से हम देखेंगे kg is किलोग्राम and then ग्राम 7 302 then 5 and 100, ठीक है? अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2 माइनस 0, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है. 2 में से 0 निकालेंगे, यू विल गेट 2 एंड 0 माइनस 0 0. 3 माइनस 1, 3 minus 1 is 2. Now, this 202 is gram because it is under the column of gram. This is 202 gram. Now, you have to take 5 from 7. 7 में से आपको 5 subtract करना है. So, what will you get? 2. This 2 is 2 kg. Answer that you will write is 2 kg 202 gram. 2 kg 202 gram. Got it? Let's do the next one. Next. kg and g 6 4 6 2 minus 4 0 4 0. Now let's subtract 2 minus 0. 2 में से 0 subtract कीजिए तो you will get 2, क्योंकि 0 अगर ऐसे देखे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो 2 में से भी कुछ नहीं निकालेंगे तो 2 का 2 ही रह जाएगा. देन 6 माइनस 4, 6 में से आपको 4 लेना है. टेक 4 फ्रॉम 6 एंड यू विल गेट 2. देन यू हैव टू टेक 0 अगेन फ्रॉम 4. 4 में से आपको 0 निकालना है, मतलब कुछ नहीं निकालना है. यू विल गेट 4 ओनली. फाइनली यू हैव टू टेक 4 from 6. 6 में से आपको 4 लेना है. So you will get 2. Now this 2 is 2 kg and 422 is gram. So answer that you will write is 2 kg. 2 kg and 422 gram. Let's take another sum. Kg and g. 7 4 8 5 gram. Here 2 1 5 5. Now let's subtract
this question. 5 minus 5. You have to take away 5 from 5. 5 में से आपको पूरा का पूरा 5 ले लेना है. You will get 0. Now you have to take 5 from 8. 8 में से आपको 5 लेना है. And what do you get? 5 आपने ले लिया. Take 5. And now start counting 5 onwards. 5 के आगे से ले लिए 6, 7, 8. So it is 3. Then you have to take 1 from 4. 4 में से 1 ले लीजिए. So what will you get? You will get 3. Answer is 330 gram. Next is 2 you have to take away from 7. 7 में से आपको 2 ले लेना है. So take 2 and 2 निकालने के बाद start counting 2 onwards. 2 को छोड़ के उसके आगे से counting कीजिए. 3, 4, 5, 6 and 7. So what is the number? 5. This 5 is kg and 330 is gram. Because we know that this 5 is under kg's column and this is under gram's column. So answer you will write 5 kg 330 gram. Okay? Let us take 2 more questions. 2 more sums in that. G and G. 5, 4, 5, 6 minus 3, 2, 2 and 2. Now, let's subtract this also. You have to take away 2 from 6. 6 means you have to 2 later. So what will you get? Take away 2 and start counting 2 onwards. 2 ke aage se kiriye till 6. 3, 4, 5, 6. So we got 4. Now you have to take away 2 from 5. 5 mein se aapko 2 lena hai. Kitna milega? Take away 2 and start counting 2 onwards. 3, 4, 5. Now take away 2 from 4. Ab 4 में से 2 ले लीजिए. So what will you get? You will get 2. Now this 234 is gram. 234 gram. And then you have to take 3 from 5. So after taking away 3, after subtracting 3 from 5, you will get 2. So answer is 2 kg 234 gram. Okay, so answer is 2 kg 234. Okay, next kg. Here it is 6 and here it is 7. Minus 5. Here you will get 6, 3 and 2. Now let's subtract this. 3 minus 2. Aapko 3 mein se 2 lena hai. So what will you get? 1. Now out of 4 you have to take away 3. 4 mein se 3 nikal deje. Kitna milega? Again you will get 1. Now take away 6 from 7. 7 means 6 nikal dijiye. What will you get? Will get 1. Triple 1. 111. This 111 is gram. 111 gram. Now you have to take away 5 from 6. 6 means aapko 5 lena hai. What will you get? Again you will get 1. But this one is kilogram. Okay, these three ones are
ग्राम 111 ग्राम है, ये हम साथ में नहीं पढ़ेंगे, इसको 1111 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अलग पढ़ते हैं 111 और इसको अलग पढ़ेंगे 1। ठीक है, तो ये आप आंसर में जब लिखोगे यू विल राइट 1 kg एंड 111 ग्राम। तो सबको एक साथ नहीं लिखोगे, दिस इज 1 kg, दिस इज 111 ग्राम, 1 kg एंड 111 ग्राम। सो वी हैव डन सब्ट्रैक्शन सम स्केल, नाउ वी हैव टू डू वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट इन दिस यूनिट, वी विल स्टार्ट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के साथ, विच इज एक्चुअली स्टेटमेंट सम्स, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स भी लिखना होता है। तो दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।